कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमर, रूपेन प्राची हुमर, अनगवीर आर्शवीर हुमर, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। पर्दे को बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया जाता है, सोफे के कपर को धोकर के साफ सुथरा करके लगा दिया जाता है, कहीं भी कोई सलबट ना हो इसका ध्यान रखा जाता है। क्यों? कल कबर साहब आने वाले हैं। कबर साहब को मालूम है कि मेरे घर में यदि कोई आएगा तो मैं भी ऐसी, उनको पता है कि सिर्फ मेरे कारण घर में साफ सुथरा स्थिति है, घर में चांदनी है, अन्यथा तो क्या दशा होती। बोलो, हमको सब अच्छा लगता है, हम तो गंदे में ही रह लेते हैं, हमें वही भाने लगता है। लेकिन कोई मेहमान होता है तो इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में ये मेहमानों का आना जाना जारी है, ताकि कम से कम उनके कारण से तुम्हारे घर में तुम्हारे बाथरूम धुल सके, अन्यथा तुम ही उसमें उसकी चिकनाई में फिसल करके धड़ाम से गिर जाओ। भला हो मेहमानों का कि कम से कम को साफ करवा दे। सच्चाई कह रहा हूं मैं, सब कुछ चेंज हो जाता है, खिड़कियों से धूल हट जाती है, जालियां पहुंच दी जाती हैं, सब कोई मेहमान आ रहे हैं। विचार करो, बस हमें तो जहां रह रहे हैं हमें वहीं अच्छा लगता है। नाली में रहने वाले कुत्ते को नाली बहुत अच्छी लगती है, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होती। आपको लगता है ठीक, कैसे गंदे पानी में सड़ा है, आपको गंदा लग रहा है, उसे तो मजा आ रहा है। एक बार भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि जा धरती पर जो सबसे दुखी जीव है उसे लेकर के आ जा, आज इसका उद्धार कर देंगे। नारद जी धरती पर आए और आकर के सब जीवों से मिले, बोले दुखी? हाँ। बोले बहुत दुखी? बोले सबसे ज्यादा दुखी? बोले नहीं, इतना दुख नहीं है पर दुख बहुत है। सड़ गया था, कीड़े पड़ गए थे, मिट्टियां भिनभिना रही थी। नारद जी को लगा कि सबसे दुखी जीव तो यही होगा। कुत्ते से कहा कि भाई दुखी? अरे बहुत दुखी, बहुत दुखी है, सबसे दुखी, भाई सबसे दुखी। नारद को लगा कि चलो जाते जाते ऐसा जीव मिल गया। बोले तू सबसे दुखी है तो भगवान ने कहा है तेरा उद्धार करना है, चल स्वर्ग। ये खड़ा है विमान, बैठ इसमें। कुत्ता फटाफट नाली से निकला, उसे तो मजा आ गया कि स्वर्ग जाना है, भगवान ने बुलाया है। वो आगे बढ़कर के विमान में बैठता, उससे पहले ही नारद से कुत्ते ने कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन एक बात बता दो, क्या तुम्हारे स्वर्ग में ऐसी नालियां हैं? तुम्हारे स्वर्ग में ऐसी नालियां हैं? नारद ने कहा मैं स्वर्ग ले जा रहा हूं, स्वर्ग नरक नहीं, स्वर्ग में नालियां नहीं होती है। जैसे ही नारद ने कहा स्वर्ग में नालियां नहीं होती हैं, कुत्ते ने नाली में छलांग लगाई और कहा भाड़ में जाए तुम्हारा स्वर्ग, जब ऐसी नालियां वहां नहीं है तो वहां जाकर करेंगे क्या, मैं तो यहां बहुत सुखी हूं। क्या? यो यत् निवसन नास्ते सा तत् कुरते रते, जो जहां रहने लग जाता है उसे वही स्वर्ग लग जाता है। हम देखते हैं ना झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को, हम देखते हैं कचरों के ढेर में पड़े हुए लोगों को, हम देखते हैं फुटपाथ में लेटे हुए लोगों को, एकदम मैले कुचेले गंदे कपड़े हैं, दाढ़ी में बाल ऐसे बढ़ गए हैं कोई कटवाने वाले, ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं हमें लगता है कितना गंदा है, कैसा रह रहा है, कैसे जी रहा है, कितना दुखी है। नहीं नहीं आप मत समझो दुखी है, वो बहुत सुखी है, बड़ा आनंदित है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। यदि दुखी होती तो उसकी शादी नहीं होती, दुखी होते तो उसके बच्चे नहीं होते, वो फुटपाथ में बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई टेंशन मत लो, बड़ा आनंद चल रहा है उनका जिंदगी। हमें लगता है कि दुखी है, लेकिन उससे पूछो कि तो दुखी है। सम्राट की मृत्यु का
समाचार एक संत ने दे दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और मरने के पश्चात तुम अपने घर के पाखाने में कीड़े बनोगे, घर के पाखाने में कीड़े बनोगे। बोले क्या? बोले हाँ, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। और विश्वास ना हो तो अभी तुम जब घर जाओगे तो तुम्हें उस चौराहे पर काले कलर का कुत्ता उस दिशा में मुंह करके भौंकता हुआ दिखाई देगा। वो बात, वो दृश्य तुम्हें मेरी बात पर विश्वास पैदा कर उसका, ठीक है। राजा ने सुना कि 7 दिन बाद मृत्यु है, मरने के बाद पाखाने का कीड़ा, राजा और पाखाने का कीड़ा, चला। और जैसा संत ने कहा था वैसा ही हुआ। चौराहे पर एक काला कुत्ता जैसे बताई गई दिशा में मुंह करके भौंक रहा था और एक पक्का हो गया कि भाई 100% कि 7 दिन मेरी मृत्यु होगी, मैं पाखाने का कीड़ा। चेहरे पर उदासी थी, हताशा थी। बेटे ने पूछा कि पिताजी क्या हो गया? बोले कुछ मत पूछ बेटा। एक संत ने कहा कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले बेटा मरना तो सबको है, मैं भी मर जाऊंगा, मरने का कोई डर नहीं है। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने घर के पाखाने में ही एक व्हाइट कलर का, सफेद कलर का कीड़ा बन जाऊंगा। पिताजी बोले हाँ बेटा, ऐसा कहा। बोले अब मुझे क्या आज्ञा है? बोले मेरे मरने के बाद जैसे ही मैं पाखाने में कीड़ा बनूं तो उसी समय मुझे मार देना ताकि मैं उस पर्याय से मुक्त हो सकूं। बोले पिताजी आपकी इच्छा पूरी होगी। 7 दिन बाद बिल्कुल जैसा संत ने कहा था उसी हिसाब से उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद वह पाखाने में कीड़ा बन गया। यहां पर पिता की लाश पड़ी है, का इसका अंतिम संस्कार तो बाद में करेंगे, पहले उसका अंत कर आऊं। जो अभी अभी पिताजी वहां जन्मे, जाकर के पाखाने में देखता है वह राजकुमार हकीकत में अभी अभी जन्मा हुआ एक व्हाइट कलर का, सफेद कलर का कीड़ा मल के ऊपर चल रहा है। उसे लग गया कि पिताजी पैदा हो गए। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी है कि मुझे मार देना। अब उसने मारने के लिए उसके ऊपर जैसे ही प्रहार किया, गंदगी तो राजकुमार के ऊपर आ गई लेकिन कीड़ा मल में छिप गया। देखो बताओ, मुझसे कह के गए मुझे मार देना और अब यहां मरने से बच रहे, निकलने दो बाहर। पाखाने पर ही खड़ा रहा, फिर धीरे से बाहर निकला। कौन? वो कीड़ा जो पहले राजा था, इसका पाप था। उसने फिर जैसे ही प्रहार किया फिर अंदर घुस गया। लेकिन ऐसा कहते हैं उसने 3 बार 4 बार 5 बार प्रयास किए। उसने सोचा कि अब जो हो गया छोड़ो, अब इस बात को जिन संत ने कहा था कि तेरे पिताजी अर्थात राजा पाखाने के कीड़े बनेंगे, अब उनसे ही पूछूंगा कि वो कीड़ा मरना क्यों नहीं चाहेगा। यहां पर पिता का अंतिम संस्कार हुआ, सूतक पातक समाप्त हुई। गुरुदेव के पास वह जाता है, प्रणाम करता है, कहता है गुरुदेव आपके कथनानुसार मेरे पिताजी 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हुए और पाखाने के कीड़े बन गए। उन्होंने मुझसे कहा था जैसे ही मैं पैदा हूं तुरंत मुझे मार देना। पिता की इच्छा अनुसार मैं उसे मारने गया, 5 बार कोशिश की लेकिन मैं उस कीड़े को मार नहीं पाया। आखिर वह कीड़ा मरना क्यों नहीं चाहता है? तो आचार्य कहते हैं यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरते रतिम, जो जहां निवास करने लगता है वह अपने आप को वहां का राज। संसार दिखता है कि दुखमय है लेकिन हमें दुख से भी प्यार, इसे दुख से प्यार। गरीब आदमी की बीमारी बड़ी गरीब होती है और अमीर आदमी की बीमारी बड़ी अमीर होती है, ये मान के चलना। गरीब आदमी बीमार होता है, एक गोली खाता है और काम पे निकल जाता है।
दिन भर मेहनत मशक्कत करता है, पसीना बहाता है, शाम को टनाटन हो जाता है। गरीब आदमी की बीमारी बड़ी गरीब है, 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपया में उसका काम हो जाता है। कई लोग तो वो भी नहीं लेते हैं, घर से ही एक चम्मच हल्दी फांक लेते हैं ठीक हो जाते हैं, एक चम्मच मेथी के दाने फांक लेते हैं ठीक हो जाते हैं, रास्ते चलते 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़ करके चबा लेते हैं ठीक हो जाते हैं। गरीब आदमी की बीमारी बड़ी गरीब होती है, अमीर आदमी की बीमारी बड़ी अमीर। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल बने ना, चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे कोकिला बहन हो, ये जितने बने हैं ऐसे बड़े आदमियों के लिए बने, गरीबों के लिए नहीं बने। गरीबों के लिए तो झोला छाप भी चलता है, वो रास्ते में बैठे रहते ना दवाइयों की दुकान लगा करके हिमालय के लोग, वो भी चल जाते। अमीर आदमियों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, क्यों? क्योंकि वो अमीर आदमी है, वहां एडमिट होगा, एडमिट होने के साथ व्हाट्सएप पे सबको सूचना मिलेगी कि फलाने बीमार होकर के एडमिट हुए, फिर उसके बाद डॉक्टर उनका चेकअप करेगा, चेकअप करने के पश्चात कहेगा स्थिति थोड़ी गंभीर है। बोले डॉक्टर साहब क्या करना पड़ेगा? बोले इलाज तो कठिन है लेकिन हो जाएगा, लगता है कि 2-4 दिन आईसीयू में भी रखना पड़े, ऑक्सीजन भी देना पड़े। डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, डॉक्टर को पता है कि उसे चिंता नहीं है, तुम चिंता तुम्हें है, और जितना चिंता करके तुमने कमाया है सब मेरे पास लेकर के आओगे, ये होता है। और वो व्यक्ति वहां पर सबको पता लग गया, वो आदमी अपने आप को फील भी अच्छा कर रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी 1-2 दिन और, वो भी कहता कोई बात नहीं, इतने में जो लोग बचे हैं वो भी मिलने आ जाएंगे। गरीब आदमी से कौन मिलने आता है? कौन आता है? उसको बीमारी का दुख नहीं है, इतने लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं इस बात का सुख है क्या? अरे 4 दिन और एडमिट रह जाएंगी, यदि जयपुर से देखने आ गए लोग, दिल्ली से मिलने आ गए लोग, और डॉक्टर साहब कोई तकलीफ नहीं, आप तो 1-2 दिन और निकाल दो, अभी कलकत्ते वाले भी आने वाले। बड़े आदमी की बीमारी बोलो बड़ी होती है, गरीब आदमी की बीमारी उसे कुछ नहीं लगता है। मैंने बोला ना 4-6 तुलसी की पत्ती खाता है उसी में ठीक हो जाता है, बड़ा मस्त है भाई, कुछ नहीं लगा उसे। तो ये बीमारियां भी बड़ा मजा देती है। एक आदमी बीमार हुआ, बीमार होने के बाद एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद 10 दिन वहां रहा, 10 दिन में बहुत सारे लोग मिल गए, लेकिन अभी भी लोग बाकी रहे, लेकिन 10 दिन बाद उसको छुट्टी हो गई, छुट्टी होकर घर आ गया, घर आकर कितनी आनंद से आराम से रह रहा है, लेकिन फोन आया कि भाई मैं आ रहा हूं तुम्हें देखने के लिए, घर में देखने के लिए आ रहा है। उसने कहा भाई वो कोई देखने आए और मुझे ऐसा देखा अच्छा लगता है क्या? अपने रूम में चला गया, देखने आया, उसने कहा कि भाई वो कहाँ है? बोले रूम में लेटे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको हार्ट मिल गई कि वो अंदर ही आ गए। और भाई ठीक हो? हाँ बस बढ़िया है। और क्या चल रहा है? सब ठीक है, अब चिंता मत करो ठीक हो जाओगे। हाँ आप लोगों की दुआएं साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नाटक करता है आदमी क्या? ओनली झूठी सिंपैथी लेने के लिए हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता व्यक्ति लेटने को राजी हो जाता है कि हाँ भाई चलेगा, मैं यदि तुम्हारी संवेदनाएं मिलती हैं तो आधे घंटे का बीमार होने का नाटक ही सही। लोग मजे ले रहे हैं बीमारी के, विचार कर। साथियों, जो जहां जिस स्थिति अवस्था में रहने लगता है उसे उसी में मजा आता है।
कई लोग 10-10, 15-15 साल से बीमार है, उन्हें बड़ा मजा आ रहा है। चल रहे तो दवाई तो चल रही, लेकिन लोग पूछते हैं, काम धाम नहीं करना पड़ता है, सब लोग कहते नहीं आप तो बैठो, बस इसलिए तो मैं दवाई खा रहा हूं, बीमार पड़ा, बाकी हूं तो हट्टा कट्टा सब कर सकता हूं, उसी मजा आने लगा। साथियों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस गाथा के माध्यम से जो कह रहे हैं वो इसमें इतना है कि जो शरीर में रहने लगता है उसे शरीर अच्छा लगने लगता है, और जो आत्मा में रहने लगता है उसे आत्मा अच्छी लगने लगती है, जो शरीर से प्रेम करने लगता है वो शरीर को नहीं छोड़ना चाहता, और जो आत्मा से प्रेम करने लगता है वह आत्मा को नहीं छोड़ना चाहता। इसकी मुख्य मुद्दे की बात यही, शरीर में रहोगे शरीर अच्छा लगेगा। कितना भी मैं कहते रहूं दिपे चाम चादर मणि हाण पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं। महाराज जी हमें तो बचपन से याद है, मुझे पता है कितना भी कहूं कोई फर्क पड़ने वाला। नव द्वार बहे गिनकारी अस देह करे किमियारी, मैं कितना भी कहूं कोई फर्क पड़ने वाला क्यों, क्योंकि तुम्हें उसी में आनंद आ रहा है। मैंने कहा ना, कुत्ते को नाली में मजा आ रहा है, नाली के चक्कर में कुत्ता स्वर्ग छोड़ सकता है, और इस शरीर के चक्कर में तुम आत्मा का कल्याण छोड़ सकते हो, तुम्हें वो अच्छा लगने वाला नहीं है। तुम्हें तो ये सारी की सारी क्रियाएं चर्याएं कष्टप्रद ही लग रही है, जबकि हकीकत तो यह है शरीर की चर्या करना कठिन है, आत्मा की चर्या करना कठिन है। साथियों, समझने की कोशिश करो, जो जहां रह रहा है उसे अच्छा। लोगों को लगता है साधु जीवन कितना कठिन है, हम साधुओं से पूछो कि साधु जीवन कितना अच्छा और सरल है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्री मदन भाई रेखाबेन हुमर, रूपेन प्राची हुमर, अनगवीर आर्शवीर हुमर, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।